स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस आयोजन में शामिल होंगे। अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधिगण भी इस आयोजन में शामिल होंगे। बीती 5 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि इस यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या 10 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर गई। प्रधानमंत्री आज से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। 9 जनवरी को सुबह लगभग 9:30 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे वैश्विक नेताओं के साथ और शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। 10 जनवरी को सुबह लगभग 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हाल ही में पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए पात्र संस्था बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मिलने वाली गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के अपने समकक्ष ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मंत्री राजनाथ सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटिश रक्षा उद्योग से जुड़े कई CEO और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऊर्जा उत्पादन की दिशा में मिल रही सफलता पर खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ONGC जीतेगा तो भारत जीतेगा इस हैशटैग के साथ कुछ तस्वीरें साझा की है। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ सम्पन्न। PM ने अपने संबोधन में अरब सागर में नौसेना के साहसी ऑपरेशन का किया जिक्र। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM ने कहा, भारतीय नौसेना ने 2 दिन पहले बहुत साहसी ऑपरेशन को दिया अंजाम। भारत के समुद्र तट से 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर सभी को संकट से निकाला गया। PM ने आदित्य L1 की सफलता पर खुशी की व्यक्त, कहा आदित्य L1 से वैज्ञानिक प्रयोग करने में होगी आसानी। प्रधानमंत्री ने पुलिस से महिला सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं निडर होकर काम कर सकें कभी भी और कहीं भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार ने अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #ExploreIndianIceland ट्रेंड करने के बाद कई लोगों ने इसके समर्थन में अपने पोस्ट शेयर किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लोगों से भारतीय द्वीपों में घूमने की अपील की है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि PM की लक्षद्वीप की यात्रा ने भारत के बहुत सारे लोगों को अवगत कराया कि भारत में जहां एक तरफ काशी जैसी प्राचीन नगरी है, तो वहीं दूसरी तरफ एकदम साफ सुंदर समुद्र तट भी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि लक्षद्वीप में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावना है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने आज राज्यपाल CV आनंद बोस से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।
पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर ममता सरकार की हर तरफ आलोचना हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। भारत और सऊदी अरब ने आपसी संबंधों को और मजबूत तथा हज यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। जद्दा में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फौजान अल रबियाह ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि हज यात्रा में महरम के बिना महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का हमारा प्रस्ताव समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार देर शाम करीब 8 बजे अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। 9 महीने में 9 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। इससे पहले 8 नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की थी। इनमें 3 नारायणपुर जिले से ही थे। 10 फरवरी को नारायणपुर के ही बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या की गई थी। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले। चिराग पासवान ने कहा कि जो बंगाल में हुआ है वे राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ है। सुशील कुमार मोदी के बंगाल की तरह ही बिहार में ईडी पर हमला हो सकता है वाले बयान पर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में फिर इंडी गठबंधन पर हमला बोला। कहा, INDI स्वार्थी लोगों का गठबंधन है और इस स्वार्थी गठबंधन का एक ही काम है कि हम किसी भी प्रकार से सत्ता में आए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने INDI गठबंधन की आलोचना की। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस गठबंधन के साथ ही मोदी हटाओ से ज्यादा कांग्रेस घटाओ की मानसिकता को लेकर कहते हैं कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल में नहीं चाहिए कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा दौरे के दौरान कटक जिला के अथागढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट पर बात करते हुए कहा कि गगनयान का फाइनल प्रक्षेपण वर्ष 2025 में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उज्जैन से देश की पहली हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम और विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। भारतीय वायुसेना ने पहली बार C-130J विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में की लैंडिंग। वायुसेना ने कहा है, इस अभ्यास उड़ान से गरुड़ कमांडो प्रशिक्षण मिशन को भी पूरा किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भोपाल का डमरू दल अयोध्या नगरी को राममय करने के लिए तैयार। 108 सदस्यों का दल भोपाल से ढोल नगाड़ों और डमरू शंख लेकर रवाना। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। समारोह से पहले राम पथ पर बस स्टॉप का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। भगवान श्री राम लला के प्रतिष्ठा से पहले आंध्र प्रदेश में विशेष लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन लड्डुओं को 22 जनवरी को राम भक्तों के बीच प्रसादम के रूप में वितरित किया जाएगा। गुजरात में धर्मपुर के वलसाड़ में रामायण और राम मंदिर पर आधारित पेंटिंग बनाई गई। स्कूली बच्चों और बड़ों ने मिलकर वर्ली आर्ट के माध्यम से 1 किलोमीटर लंबी दीवार पर सुंदर चित्र बनाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड के लोग भी राम भक्त हैं। अयोध्या में जल्द ही उत्तराखंड के लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। दिल्ली के ललित कला अकादमी में भारत एम्बेसडर कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिल्ली कॉलेज के कला विभाग, जामिया विश्वविद्यालय समेत विभिन्न स्कूलों के करीब 2500 से अधिक छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हो बिजनेस पढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिस
फाइनेंसेस के साथ वेकेशन लो, मुथूट फाइनेंस को लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हमें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ी संख्या में प्रवासी साइबेरियन पक्षी देखे जा रहे हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु और पर्यटक काफी खुश हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महोत्सव का उद्घाटन किया। करीब एक सप्ताह तक चलने वाले महोत्सव में 56 देशों के पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नागपट्टिनम, किलवेलूर तालुक, विल्लुपुरम और कुड्डालोर में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। साथ ही रानीपेट, वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में बारिश के कारण पुराने कोटालम झरने में पानी का तेज बहाव देखा गया। तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश की वजह से मछुआरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मत्स्य पालन विभाग ने 28 गांव के मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज तड़के कोहरे की स्थिति बताते हुए तस्वीर जारी की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में घना और बहुत गहरा कोहरा छाया हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में भी कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से दृश्यता बहुत कम रह गई है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवान गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल की जारी है। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए अलग अलग सेनाओं के जवानों ने परेड रिहर्सल की। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण डल झील सहित कई जलाशय जमे। तमिलनाडु में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री गोयल ने कहा कि भारत की युवा आबादी से उसे फायदा हुआ है, जो दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूरी दुनिया आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहती है, भारत के साथ व्यापारिक और राजनयिक संबंधों का विस्तार करना चाहती है। तमिलनाडु में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि 2030 तक राज्य को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा। वाहन विनिर्माता कंपनी TVS मोटर कंपनी के मानद चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि तमिलनाडु में अच्छे राजनीतिक नेतृत्व तथा उत्कृष्ट नौकरशाही की वजह से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य को अपना आधार स्थापित करने के लिए चुना है। उद्योगपति एवं JSW समूह के चेयरमैन सचिन जिंदल ने कहा कि उनकी कंपनी अगले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए निवेश को दोगुना करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में जिंदल ने कहा कि JSW समूह ने राज्य में अभी तक 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तमिलनाडु में JSW स्टील और JSW एनर्जी का कारोबार है। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने को लेकर प्रतिबद्धता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कनाडा की ब्रुकफील्ड के साथ साझेदारी में अगले सप्ताह चेन्नई में एक डेटा सेंटर भी खुलेगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कनाडा की ब्रुकफील्ड के साथ साझेदारी में अगले सप्ताह चेन्नई में एक डेटा सेंटर खुलेगी।
टाटा पावर तमिलनाडु में अगले 5 से 7 वर्षों में 10 गीगावाट वाली सौर और पवन ऊर्जा इकाई लगाएगी और इस पर 70,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान के दौरान दिसंबर 2023 तक 8 महीनों में 44,015 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों में शामिल 29,273 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है। इसमें 4,646 करोड़ रुपए का राजस्व बचाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला, जिनमें करीब 12,036 करोड़ रुपए की संदिग्ध आईटीसी चोरी में शामिल थी। केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने आईटीसी से 2,358 फर्जी कंपनियों का पता लगाया। इनमें से सबसे अधिक 926 कंपनियां महाराष्ट्र में, इसके बाद राजस्थान में 507, दिल्ली में 483 और हरियाणा में ऐसी 424 कंपनियों का पता चला। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कोलकाता में पहली अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की आज अध्यक्षता करेंगे। वह नदी क्रूज पर्यटन रोडमैप के साथ साथ हरित नौका दिशा निर्देश भी पेश करेंगे। यह बैठक जहाज एमवी गंगा क्वीन पर दिन भर चलने वाली है, जिसमें राज्यों और केंद्र सरकार के प्रमुख लोग एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में अंतरदेशीय जलमार्ग और संबंधित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को चिन्हित करते हुए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स ने घरों की मांग में वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों अप्रैल से दिसंबर के दौरान 14% वृद्धि के साथ 10,300 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची है। वित्त वर्ष 2025 के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10 से 10.5% रखे जाने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8.9% नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना सत्ता संभालने जा रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से आम चुनाव में जीत दर्ज की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एवं अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। बांग्लादेश में छिटपुट हिंसा की घटना और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के बहिष्कार के बीच रविवार को आम चुनाव खत्म हुआ। शेख हसीना 2009 से सत्ता में है। शेख हसीना के सत्तारूढ़ अवामी लीग ने 50% से अधिक सीटों पर कब्जा किया है। अमेरिका का पूर्वी तट रविवार को शीतकालीन तूफान के बाद ढक गया। सड़कें, यार्ड और वाहन बर्फ से ढके हुए नजर आए। मैसाचुसेट्स के कुछ इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। अमेरिका का पूर्वी राज्य मेन में शनिवार देर शाम बर्फ होनी शुरू हुई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडोमिर जेलेंस्की ने पहली बार कीव देश की यात्रा की। जेलेंस्की ने जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री योको कामिकावा ने अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन के लिए जापान के निरंतर समर्थन का वादा किया है। जापानी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि जापान 19 फरवरी को जापान यूक्रेन सम्मेलन की मेजबानी करके सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत यूक्रेन की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी मध्य पूर्व यात्रा के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। यह मुलाकात लुसेल पैलेस में हुई। एंटनी ब्लिंकन और यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल लेबनान, वेस्ट बैंक और लाल सागर शिपिंग लेन में युद्ध के फैलाव को रोकने की कोशिश करने के लिए इस क्षेत्र की अलग अलग यात्राओं पर थे। वॉशिंगटन डीसी में बलूचिस्तानी प्रवासियों ने व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन बलूच परिवारों के समर्थन में है, जिनका अपहरण कर लिया गया था और वे लापता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा।
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर भी करा लिया है। तीसरा और निर्णायक मैच मंगलवार को खेला जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand, disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत से जीत के लिए मिले 131 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 1900 ओवर में 4 विकेट पर 133 रन बनाकर मैच को जीत लिया। एलिस पैरी ने नाबाद 34 और कप्तान एलिसा हिली ने 26 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ नाबाद 243 रनों की पारी खेली। पुजारा ने फर्स्ट क्लास करियर का 17वां दोहरा शतक जमाया। वे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। एलआर श्रीहरि ने चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। वो बेलारूस के एलेक्सेई फेदोरोव से अंतिम दौर में ड्रॉ खेलकर चैंपियन बने। श्रीहरि के नाम 7 जीत रही और उन्होंने 3 बाजियां ड्रॉ खेली। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल चोट के कारण साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन से हट गए हैं। नडाल टेनिस कोर्ट पर वापसी करने के 1 सप्ताह बाद फिर चोटिल हो गए हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ ने लगातार दूसरी बार ऑकलैंड टेनिस क्लासिक का खिताब अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में गॉफ ने एलिना स्वांतेलिना को 3 सेट में 6-7, 6-3, 6-3 से हराने में सफलता पाई। जर्मनी ने यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में जर्मनी ने पोलैंड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। जर्मनी ने पुरुष एकल और मिश्रित युगल में जीत हासिल की। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में दिमित्रोव वे डेनमार्क के होल्गर रूने को सीधे सेट में 7-6, 6-4 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। वहीं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने जीतने में सफलता पाई। दूसरी वरीयता प्राप्त रायबाकिना ने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सवालिंका को सीधे सेट में 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। लिवरपूल ने FA कप के 4थे दौर में स्थान बना लिया है। तीसरे दौर के मुकाबले में लिवरपूल ने आर्सेनल को 2-0 से हराने में सफलता पाई। लिवरपूल की तरफ से दोनों गोल अंतिम 10 मिनट में हुए। मैनचेस्टर सिटी ने भी आसान जीत के साथ FA कप के 4थे दौर में जगह बनाने में सफलता पाई। मैन सिटी ने हर्ट्सफील्ड टाउन पर 5-0 की बड़ी जीत हासिल की। FA कप में वेस्टहैम यूनाइटेड और ब्रिस्टल सिटी के बीच खेला गया तीसरे दौर का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। वेस्टहैम ने पहले और ब्रिस्टल सिटी ने दूसरे हाफ में गोल किया। अब दोनों टीमों के बीच दोबारा मुकाबला खेला जाएगा। पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच कप में रेवेल पर 9-0 की बड़ी जीत हासिल की। PSG के लिए स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने हैट्रिक लगाने में सफलता पाई। इसके साथ ही एम्बापे ने 22 मैचों में 30 गोल हो गए हैं। निर्देशक इंद्र कुमार फिल्म मस्ती के 4थे पार्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। इस फ्रेंचाइजी की पिछली 3 फिल्मों का हिस्सा रहे अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी मस्ती 4 में भी मुख्य भूमिका में होंगे। हालांकि अभी तक फिल्म की अभिनेत्रियों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद प्रभास स्टारर सालार अब जापान में भी तूफान लाने को तैयार है। फिल्म निर्माताओं ने गर्मी के मौसम में सालार को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज करने का ऐलान किया है। निर्माता विघ्नेश शिवन की फिल्म LIC शुरू होने के साथ ही मुश्किल में घिरती दिख रही है। रिपोर्ट की माने तो फिल्म के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्माता को नोटिस भेजा गया है।
अभिनेत्री नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णानी के निर्माताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। फिल्म निर्माताओं पर भगवान राम का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। फिलोसॉफिकल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म तौबा तेरा जलवा में अभिनेत्री अमीषा पटेल लव गुरु की भूमिका में नजर आएंगे। सच्ची कहानी से प्रेरित इस फिल्म को आकाशादित्य लामा ने निर्देशित किया है। करण जौहर की देखरेख में बन रही फिल्म डेडली में पहली बार टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन के साथ जाह्नवी कपूर स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। फिल्म में वरुण खलनायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अभिनेता धनुष की आगामी फिल्म कैप्टन मिलर का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म में धनुष एक बेहद ही खूंखार किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म 12 जनवरी को हिंदी के साथ ही दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी रिलीज होगी। नागार्जुन स्टार फिल्म नासामी रंगा की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर इसकी क्लैश सैंथव और हनुमान जैसे फिल्मों के साथ होने की उम्मीद है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।